शिकायत दर्ज करने में कोई कमी नहीं होगी हमारे खिलाफ, क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि विपक्ष को छोटा दिखाना और सच को गुमराह करना। जिस दिन से सदन की कामकाज शुरू हुई उसी दिन से विपक्ष के सारे विपक्षी दल एक साथ जुट कर ऑल पार्टी मीटिंग में हमारे विपक्षीय पार्टी की सारे मांग रखा था। हमें बड़े सब मिलकर सरकार के ध्यान आकर्षण करने के लिए कहा था कि कोविड की मुद्दा पे चर्चा किया जाए, बेतहाशा जो महंगाई सारे देश के आम लोगों को झेलना पड़ता इस विषय पे चर्चा किया जाए, तेल की दामों को जो वृद्धि हो रहे हैं इस विषय पे हम सब सरकार को मांग रखने के लिए तय बैठे थे। साथ साथ लगभग सालों भर क्योंकि 8-9 महीना बीत चुके हैं, किसानों की मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार प्रयास करे। हमारे मांग था कि 3 काले कानून को रद्द किया जाए, और जब पेगेसस की मुद्दा सामने आ गई तो हम सरकार को ये बार बार समझाने की कोशिश की, ये पेगेसस कोई छोटे मोटे मुद्दे नहीं है, पेगेसस की जो मसला ये सारे देश की सुरक्षा के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिए हैं, तो सरकार को ये पेगेसस की मुद्दे से बचना चाहिए और क्या क्या कदम उठाए हैं इस पर चर्चा चाहिए, क्योंकि ये सारे हिंदुस्तान के हमारे लोकतंत्र, हमारे प्रतिष्ठा, हमारे सुरक्षा के जुड़े हुए मुद्दा है। लेकिन सरकार ने बार बार हमारे गुहार लगाने का बावजूद सरकार इस विषय को सदन में चर्चा होने का मौका नहीं दिया, परहेज करते रहे और अंतिम दिन तक ये पेगेसस की मुद्दा सदन में चर्चा नहीं हुई। आप सब देखिए जब पेगेसस की मुद्दे को लेकर इजराइल की सरकार खुद तब्दीश कर रहे हैं, जब फ्रांस की सरकार वो खुद पेगेसस के मुद्दे पर जांच पड़ताल और तब्दीश कर रहे हैं, जब हंगरी, जर्मन, सारे दुनिया भर में पेगेसस के मुद्दे को लेकर हलचल मच चुके हैं, और जहां हिंदुस्तान के विपक्षी नेता, एक्टिविस्ट सारे न्यायपालिका को लेकर समाज की हर वर्गों के लोगों के खिलाफ जिस तरीके से ये पेगेसस की बेजा इस्तेमाल हुआ है, ये पेगेसस जासूस कंट सारे हिंदुस्तान के आम लोगों को सिर पीड़ा हो गए हैं, इस मुद्दे को लेकर हम सदन में चर्चा मांगे थे, क्योंकि हमारे ये मांग जायज मांग था, इसमें कोई नाजायज चीज नहीं था, क्योंकि सरकार खुद राज्यसभा में एक बयान देते हैं, लोकसभा में एक बयान देते हैं पेगेसस के मुद्दे पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक बयान देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दूसरा बयान देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तीसरा बयान देते हैं। तो लोगों को समझ में नहीं आते कि पेगेसस जासूसी कांड ये क्या है। सरकार को हमारी मांग को पूरा करना चाहिए था, क्योंकि ये कहे जाता है कि सदन विपक्षी पार्टियों के विपक्षी लोगों के लिए चलते हैं। सदन में सरकार को जिम्मेवारी ये होते हैं सही ढंग से सुचारू रूप से सदन को चालन करना, सदन को चलाना सरकार को जिम्मेवारी होती है। विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होते हैं? हमारा जिम्मेवारी ये होते हैं
कि आम लोगों की जो मुद्दा, देश की जो मुद्दा है, जिसमें आम लोगों की परेशानियां के संभव बना, जिससे आम लोग पीड़ित है, दुखी है, ये सारे मुद्दा को सदन में रखा जाए, सरकार के ध्यान आकर्षण किया जाए, ये हमारा फर्ज होते हैं। तो हमारी तरफ से ये फर्ज निभाने की हर संभव कोशिश की हम लोग, आप लोग खुद देखे हैं, हम लोग बार बार ये गुहार लगाते थे कि हम कृषि कानून रद्द करने के लिए चर्चा चाहते हैं, हम महंगाई पे चर्चा चाहते हैं, तेल की बेतहाशा इजाफा के खिलाफ चर्चा चाहते हैं, किसानों के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, और साथ साथ टीकाकरण, कोविड की मामला हिंदुस्तान में 4 लाख से ज्यादा मौत की हो चुके हैं कोविड के चलते, अभी तक टीकाकरण जिस ढंग से होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। दिसंबर तक सारे हिंदुस्तान के सब एडल्ट लोगों को ये कह जाता है कि टीकाकरण हो जाएगी, लेकिन विशेषज्ञों को मानना है ये करना मुश्किल है। सरकार कुछ कहते हैं, जमीनी हकीकत कुछ अलग कहते हैं। ये सारे चीज को सामने रखकर हम लोग चर्चा मांगे थे शुरू के दिन से। फिर दोबारा मैं ये जिक्र करना चाहते हैं, शुरू के दिन से महंगाई, तेल की दाम की वृद्धि, कोविड के मसला और काले किसी कानून को रद्द करने के लिए बार बार गुहार लगाते आए थे, लेकिन हमारी एक ही मांग था, अब पेगेसस जासूसी जो कांड हुई है सारे सदन में शुरुआत इस मसले से किया जाए। कल आप लोग देखे हैं कि सरकार हमारी मांग तो रखते नहीं, फिर भी जब ओबीसी की मसला आया, सारे हिंदुस्तान की पिछले वर्ग लोगों की जो मसला आया, जहां सारे प्रदेशों की अधिकारों की जो मसला आई, उस समय सरकार को पूरी मदद की, कल आपने खुद देखे हैं सरकार को पूरी मदद की, बिना चाहे सरकार को हम लोग पूरा मदद की, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने अपना जिम्मेदारी जानते हैं, कैसे इसको जिम्मेदारी अनुपालन करना है, निर्वाह करना है, वो जानते हैं। हम लोग इसलिए कल सदन में आपने देखा है सुचारू रूप से सदन चली, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ओबीसी की मसला, ओबीसी रिजर्वेशन और प्रदेशों की जो अधिकार, इसको सुरक्षित रखना ये हमारा फर्ज बनते हैं। लेकिन हम क्या करें, हमारी तो कुछ मांग होते हैं, हम भी तो देश के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम लोग यहाँ हवा खाने नहीं आते, आम लोगों की बात रखना हमारा फर्ज होते हैं, ये फर्ज निभाने का मौका सरकार को देना चाहिए, क्योंकि सरकार की ये जिम्मेवारी होता है सदन को चलाना। विपक्ष अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगा। आज तक ये पेगेसस की मसले को सुलझाने के लिए सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया कि कम से कम विपक्षी दलों से एक बात किया जाए, आमने सामने बैठकर चर्चा किया जाए, विपक्षी दलों को बुलाया जाए। यही पहली बार सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी को आज देखा है, जब सारे कुछ खत्म हो चुके हैं प्रधानमंत्री जी सदन में पधारे थे। तो इसके मतलब यह है कि यह सरकार पार्लियामेंट के काम का चलाने में यह सरकार को कभी दिलचस्पी नहीं रहे, सरकार की दिलचस्पी रहे उनकी मनमानी तरीके से जितना बिल, जितना लेजिस्लेशन है सारे को धड़ल्ले से पारित करना। धड़ल्ले से सरकार ने सारे विधेयकों को एक के बाद एक पारित करते चले गए और सदन में कोई चर्चा नहीं हुई, बगैर ओबीसी मसला कोई चर्चा नहीं हुई। हम लोग देखे हैं कि 7 से 8 मिनटों के बीच एक एक बिल पारित होते हैं, मतलब इतना बिल पारित हो चुके हैं, समय एक एक विधेयक के लिए ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मिनट, ये भी है सरकार एक रिकॉर्ड बना दिए हैं। लोकसभा टीवी में हमारा बात रखने का नहीं मौका दे, हमें दिखाने का पाबंदी लगा दी है। देखिए सदन में लोकसभा टीवी हम सबके हैं, हम सब लोकसभा टीवी के एक एक स्टेक होल्डर हूं, लोकसभा टीवी और पार्लियामेंट कोई पार्टी के नहीं होते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लोकसभा की होते हैं। हम बार बार कहते थे कि हमारे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम जो बात रख रहे हैं, ये देशवासियों को दिखाया जाए। अगर सरकार कुछ फैसला करेगा कि कौन सा जायज है ना जायज है, तो बड़ा मुश्किल होगा।
ये देखना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। अगर हम मतलब विपक्षी पार्टी ने अगर कुछ गलत करे तो हिंदुस्तान की आम जनता हमें शिकस्त करेगी, हमारी आलोचना करेगी, लेकिन वो नहीं चलते हैं। सरकार खुद तय करते हैं कौन सा भाषण जायज है, कौन सा मांग जायज है या कौन सा मांग नाजायज है। इस तरीके की मनमानी की सरकार हमारे देश के लिए आज हम सबको और खासकर हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा बनते जा रहे हैं।